Bismillahirrahmanirrahim. Today we are starting conceptual questions of Unit 4, Turning Effect of Force. These questions are taken from the book Physics Class 9, KPK Boards. First question is, can the rectangular components of a vector be greater than a vector itself? Explain. Rectangular components kise kehte hain? Dekhen, ek rectangular component ये है और एक ये है, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बनाते हैं। अब अगर आप इस फिगर में देखें तो ए और बी कंपोनेंट है और सी इसका रिजल्टेंट है। तो ए और बी को अगर ऐड करेंगे तो आपको सी वेक्टर मिलेगा। किस तरीके से ऐड करेंगे, इसके लिए फार्मूला है बाय पाइथागोरस थ्योरम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो अगर आपने सी फाइंड करना है तो आप दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे, यानी सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो इन दोनों वेक्टर का स्क्वायर लेके उनको ऐड करें, उसका स्क्वायर रूट लें, तो आपके पास सी वेक्टर आएगा। यानी इन दोनों वेक्टर्स का जो इसके कंपोनेंट्स है उसका रिजल्टेंट सी के इक्वल होता है। ये कभी भी नहीं हो सकता कि आप इनके कंपोनेंट्स को ऐड करें और उससे जो वैल्यू आए वो इस सी वेक्टर जो इसका रिजल्टेंट है उससे बड़ा हो। इक्वल हो सकता है, यानी इन दोनों वेक्टर का सम इस सी वेक्टर के इक्वल होगा। तो इसमें जो स्टेटमेंट है इसको आप इस तरह लिखें कि पहले स्टेटमेंट, यानी इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट क्या है कि कैन द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर बी ग्रेटर देन द वेक्टर इटसेल्फ। इसमें जो मेन आइडिया है वो एडिशन ऑफ वेक्टर्स है, यानी टू वेक्टर्स को ऐड करना, एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी। द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर कैन नेवर हैव अ मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन द वेक्टर इटसेल्फ। ये जो दो कंपोनेंट है इसका मैग्नीट्यूड कभी भी वेक्टर सी से जो इसका रिजल्टेंट है ग्रेटर नहीं होगा। This can be seen by using Pythagorean's theorem. अभी मैंने आपसे कहा है कि अगर इन दोनों components का square लें तो वो c square के equal होगा, या c vector equal होगा a square plus b square under the root. ये Pythagoras theorem है जो आप लोगों ने 9 class के mathematics में भी पढ़ा है। There is a situation where the components of vector could have a magnitude that equal the magnitude of the vector. इन दो वेक्टर्स को ऐड करें तो इन दो वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इस सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, जिसको हम इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। कभी भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर या कोई भी वेक्टर हो उसका, उनके जो कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर कभी भी अपने रिजल्टेंट से बड़े नहीं हो सकते। एक्सप्लेन व्हाई डोर हैंडल्स आर नॉट पुट नियर हैंजेस। ये देखें, ये हैंजेस हैं। हैंजेस का मतलब ये दरवाजे के साथ लगे होते हैं। ये आप समझ लें कि दरवाज़ा जो है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये हैंजेस कभी भी हैंडल के साथ करीब नहीं रखे जाते। यानी अगर ये डोर है, ये हैंजेस यहाँ लगे होते हैं और हैंडल यहाँ होता है। तो क्यों हैंडल यहाँ नहीं लगाते बीच में या बहुत शुरू में? हमने पढ़ा है कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स, जब हम इस बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेंगे इस डोर के ऊपर तो ये डोर टर्न करेगा, और टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स यानी टार्क ये किसके इक्वल होता है? ये फोर्स यानी जो फोर्स आप लगा रहे हैं, और ये मूवमेंट आर्म परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फोर्स एंड हैंजेस, जिसको हम डी या आर से शो करते हैं, इस पर डिपेंड करता है। यानी जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा होगा ये डोर आसानी के साथ खुलेगा, इसलिए हम हैंजेस को हैंडल से दूर रखते हैं।
तो इसमें स्टेटमेंट है कि डोर हैंडल आर नॉट पुट नियर हैंजेस. मेन आइडिया इज टॉर्क, द मेन आइडिया इज टॉर्क. तो अभी हमने आपको रीज़न बताई है कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स जिसे हम टॉर्क कहते हैं वो डिपेंड करता है मूवमेंट आर्म पे, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द हैंजेस एंड वेयर वी अप्लाई द फोर्स. सो रीज़न इज इन ऑर्डर टू गेट समथिंग टू रोटेट यू नीड टू अप्लाई टॉर्क. टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड एंड द डिस्टेंस बिटवीन वेयर यू अप्लाई द फोर्स एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये फोर्स है. इन दिस केस द एक्सिस वुड बी द हैंज ऑफ द डोर. ये जो हैंज है यही असल में एक्सिस ऑफ रोटेशन है. हैंजेस ये इस तरीके से होती हैं. इफ़ यू अप्लाई अ फोर्स नियर द एक्सिस ऑफ रोटेशन द टॉर्क वुड बी स्मॉल बिकॉज द डिस्टेंस इज स्मॉल. अगर आप फोर्स यहाँ लगाओगे तो मूवमेंट आर्म कम होगा, टॉर्क कम प्रोड्यूस होगा. अगर आप फोर्स यहाँ लगाओगे तो मूवमेंट आर्म और भी कम हो जाएगा, ये होगा टर्निंग इफेक्ट और भी कम प्रोड्यूस होगी. इफ़ यू अप्लाई अ फोर्स नियर द एक्सिस ऑफ रोटेशन द टॉर्क वुड बी स्मॉल बिकॉज द डिस्टेंस इज स्मॉल. इफ यू अप्लाई द सेम फोर्स फर्दर अवे फ्रॉम द एक्सिस द टॉर्क इज लार्जर, हैंस द डोर ओपन ईजिली विद लेस एफर्ट. एफर्ट मीन्स फोर्स. कम फोर्स से आसानी से टॉर्क प्रोड्यूस होगा, यानी टर्निंग इफेक्ट आसानी से प्रोड्यूस होगा अगर हम इस हैंडल को एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर रखें. जितना ज़्यादा दूर होगा, और ये फोर्स परपेंडिकुलर होना चाहिए. अगर फोर्स इस डायरेक्शन में होगी तो फिर ये डोर नहीं खुलेगा. ये मूवमेंट आर्म और फोर्स के दरमियान एंगल 90 होना चाहिए, ये बात भी ज़हन में रखें. कैन अ स्मॉल फोर्स एवर एग्जर्ट अ ग्रेट टॉर्क देन अ लार्ज फोर्स. क्या स्मॉल फोर्स लार्ज टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है? आंसर इज येस, क्योंकि टर्निंग इफेक्ट डिपेंड करता है, ये देखें टॉर्क मीन टर्निंग इफेक्ट, ये दो बातों पे इफेक्ट करता है, एक फोर्स और दूसरा मूवमेंट आर्म. तो ये मूवमेंट आर्म जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा, अगरचे फोर्स कम भी हो. तो इसकी स्टेटमेंट है कि अ स्मॉल फोर्स एवर एग्जर्ट अ ग्रेट टॉर्क देन अ लार्ज फोर्स. मेन आइडिया इज मूवमेंट आर्म. येस द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड मल्टीप्लाइड बाय मूवमेंट आर्म. टॉर्क किसके इक्वल होता है? फोर्स मल्टीप्लाई मूवमेंट आर्म. अ स्मॉल फोर्स ओवर अ ग्रेट डिस्टेंस एग्जर्ट द सेम टॉर्क एज द लार्ज फोर्स ओवर अ स्मॉल डिस्टेंस. इस सेंटेंस का मतलब है कि स्मॉल फोर्स को अगर ग्रेट डिस्टेंस के साथ लगाया जाए, यानी उसका मूवमेंट आर्म ज़्यादा हो, ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा एज कम्पेयर टू कि अगर आप फोर्स ज़्यादा लगाएं और डिस्टेंस कम रखें. यानी ज़्यादा फोर्स कम डिस्टेंस पे लगाएं या कम फोर्स ज़्यादा डिस्टेंस पे लगाएं तो सेम टॉर्क प्रोड्यूस होगा. एग्जांपल से समझ लें. फॉर एग्जांपल से योर स्मॉल फोर्स इज 2 न्यूटन. देखें फोर्स कितनी है, 2 न्यूटन, एंड योर डिस्टेंस इज 10 मीटर और मूवमेंट आर्म 10 है, तो कितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा? टॉर्क इज 2 न्यूटन मल्टीप्लाई 10 मीटर, तो 20 न्यूटन मीटर. टॉर्क का यूनिट है न्यूटन मीटर. इफ़ यू रिप्लेस द फोर्स विद अ ग्रेट वन ऑफ से 5 न्यूटन एंड डिक्रीज द डिस्टेंस टू 4 मीटर. दूसरे एग्जांपल में हमने फोर्स 5 न्यूटन कर दी है और डिस्टेंस 4 मीटर हमने कर दी है, अब भी टॉर्क 20 न्यूटन प्रोड्यूस हो रहा है. यहाँ पे फोर्स कम है और डिस्टेंस ज़्यादा है, तब भी टॉर्क 20 न्यूटन मीटर है, और यहाँ पे फोर्स ज़्यादा है और डिस्टेंस कम है तब भी 20 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है. तो आसान लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि हम स्मॉल फोर्स अगर ज़्यादा फासले पर अप्लाई करें एक्सिस ऑफ रोटेशन से तो ज़्यादा टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा.
अगर ये एक रॉड है, यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये जगह आप यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा। अगर आप ये फोर्स कम फासले पे लगाएं तो फोर्स वही है, लेकिन क्योंकि फासला कम हो गया है तो टॉर्क कम प्रोड्यूस होगा। क्वेश्चन फोर इज़ व्हाई इट इज़ बेटर टू यूज़ लॉन्ग स्पैनर रादर देन अ शॉर्ट वन टू लूजन अ रस्टी नट। ये स्पैनर है, आप लोगों ने देखा होगा घरों में यूज़ होता है, ये नट खोलने के लिए यूज़ होता है। अगर ये नट स्मॉल स्पैनर से नहीं खुलता, इसको जंग लगा हुआ है, तो हम ये बड़ा स्पैनर यूज़ करते हैं, इसको की भी कहते हैं, ठीक है। तो हम ये क्यों यूज़ करते हैं, क्यों ये अच्छा है, यहाँ पे भी देखें इसका जो मूवमेंट आर्म है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ से घूमेगा, यहाँ फोर्स अप्लाई होगा, तो इतना बड़ा मूवमेंट आर्म है तो ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे मूवमेंट आर्म कम है, फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रही है, इसलिए इससे ये नट मुश्किल से खुलेगा, इससे आसानी से खुलेगा, तो इसलिए हम लॉन्ग स्पैनर यूज़ करते हैं फॉर रस्टी नट। स्टेटमेंट है इट इज़ बेटर टू यूज़ लॉन्ग स्पैनर रादर देन अ शॉर्ट वन टू लूजन अ रस्टी नट। इसमें भी मेन आइडिया है मूवमेंट आर्म। रीज़न, टार्क इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मूवमेंट आर्म। टार्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई मूवमेंट आर्म। वी नो दैट द टर्निंग इफेक्ट डिपेंड अपॉन द मूवमेंट आर्म एंड द अप्लाइड फोर्स। हमने बार बार यहाँ पे पढ़ा है कि ये टर्निंग इफेक्ट है, ये दो फैक्टर पर डिपेंड करता है, एक फोर्स पे और दूसरा मूवमेंट आर्म पे। एज लॉन्ग स्पैनर हैज़ ग्रेटर मूवमेंट आर्म, क्योंकि देखें इसका मूवमेंट आर्म ग्रेटर है, सो इट कैन प्रोड्यूस द टर्निंग इफेक्ट ईजीली, लार्ज टर्निंग इफेक्ट विल बी प्रोड्यूस्ड, दस इट इज़ बेटर टू यूज़ अ लॉन्ग स्पैनर rather than a short one to tighten a nut on a bolt easily or loosen a rusty nut। यहाँ पे आप tighten के लफ्ज़ को हटा के loosen भी लिख सकते हैं, L double O S E N N। So we can easily loose a nut on a bolt or we tighten a nut on a bolt easily with the help of long spanner। Question 5 is the gravitational force acting on the satellite is always directed toward the center of the earth, does this force exert torque on satellite। ग्रेविटेशनल फोर्स, हमें पता है कि ज़मीन हर एक बॉडी को अपनी तरफ खींचती है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स सैटेलाइट पे भी एग्जर्ट होती है, तो क्या ये ग्रेविटेशनल फोर्स इस सैटेलाइट में टॉर्क प्रोड्यूस करती है या कर सकती है। इस फिगर से देख लें, देखें ये जो मास एम है ये बॉडी सैटेलाइट है, ये हमारी ज़मीन है, इसके गिर ये सैटेलाइट रिवॉल्व करता है, तो क्या ये जो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है ये ज़मीन की ग्रेविटी की वजह से है, तो इसका मतलब है कि ये टार्क ज़मीन प्रोड्यूस कर रहा है टर्निंग इफेक्ट, तो इसका आंसर है नो, क्योंकि देखें ज़मीन जो फोर्स लगा रही है, ज़मीन जो फोर्स लगा रही है उसकी डायरेक्शन ये है, ये देखें ये सैटेलाइट से डायरेक्ट ये फोर्स लग रही है, और ये फोर्स कहाँ से गुजर रही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ये ज़मीन का एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो याद रखें जब फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन में से गुजरे तो फिर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता। दरवाजे की मिसाल फिर ले लें, ये डोर है, ये हैंजेस हैं, यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो तो ईजीली ये डोर खुलेगा, अगर यहाँ फोर्स अप्लाई हो तो मुश्किल से खुलेगा, यहाँ अप्लाई हो तो और मुश्किल से खुलेगा, अगर ये फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो, देखें ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है,
हैंजेस है और ये फोर्स है, तो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। यानी दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि टार्क तो डिपेंड करता है फोर्स मल्टीप्लाई मूवमेंट आर्म परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जब हम फोर्स को हैंजेस के करीब लाते हैं तो मूवमेंट कम होता जाता है, लेकिन जब हम फोर्स को हैंजेस पे अप्लाई करते हैं तो मूवमेंट आर्म ज़ीरो हो जाता है। तो जब मूवमेंट आर्म ज़ीरो, तो ये जो फोर्स है ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो गई तो ज़ीरो। तो यहाँ पे ये देखें एक्सिस ऑफ रोटेशन है, बॉडी इसके गिर्द घूम रही इस तरीके से, तो ये हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन भी है और फोर्स का डायरेक्शन भी यही है। जब फोर्स की डायरेक्शन भी यही है और एक्सिस ऑफ रोटेशन भी यही है, देखें ये आर है, आर या डी ए की बात है, तो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये इनके दरमियान हम कह सकते हैं कि एंगल ज़ीरो है। दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि इनके दरमियान एंगल ज़ीरो है। हाँ, अगर ये फोर्स इस तरह अप्लाई होती, देखें इस डायरेक्शन में, तो फोर्स इस डायरेक्शन में है और ये मूवमेंट आर्म है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है और देखें ये मूवमेंट आर्म है, तो आसानी के साथ फिर टर्निंग इफेक्ट इस सैटेलाइट में ज़मीन की वजह से प्रोड्यूस होता। अब यहाँ पे जो टर्निंग इफेक्ट है या ये जो मूव कर रहा है, इसको तो साइंटिस्ट ने मोशन दी है और ये मुसलसल घूम रहा है। असल में इसको जाना तो सीधा चाहिए, लेकिन ज़मीन क्योंकि इस पर अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई कर रही है तो ये सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, लेकिन टर्निंग इफेक्ट ज़मीन इसमें प्रोड्यूस नहीं कर रही क्योंकि फोर्स और मूवमेंट आर्म के दरमियान एंगल ज़ीरो है। जब एंगल ज़ीरो होगा फिर फोर्स अप्लाई नहीं होगा। तो स्टेटमेंट ये है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सैटेलाइट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, दिस फोर्स एग्जर्ट टार्क ऑन सैटेलाइट। मेन आइडिया वही है कि टार्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मीन मूवमेंट आर्म। रीजन, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, सो द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। देखिए ये जो फोर्स है ये इसी सेंटर ऑफ द अर्थ में से गुजर रही है, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन में से गुजर रही है। इट्स मीन दैट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज ज़ीरो, or we can say that the movement arm is zero, d is equal to zero, so torque is given by the equation, torque ka to formula hai f multiply d, kyunki perpendicular distance zero hai, iska matlab hai ki torque zero, thus from above equation it is clear that there is no torque exerted on the satellite by gravitational force. Can we have a situation in which an object is not in equilibrium even though the force on it is zero? Give two example. क्या ये हो सकता है कि एक बॉडी पे जो फोर्सेस लग रही हैं वो ज़ीरो हो? फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यही है कि when all forces acting on the body the torque is zero. तो क्या कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो, यानी व्हेन टू फोर्सेस आर इक्वल टू ज़ीरो लेकिन बॉडी इज़ नॉट इन इक्विलिब्रियम? पहले आपको मैं एग्जांपल समझा देता हूँ, फिर वो स्टेटमेंट हम पढ़ लेंगे। देखें ये टू फोर्सेस है, एक F1 है और एक F2 है। अगर हम ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, एक 100 न्यूटन है और एक दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो -100 है, तो 100 और -100 ज़ीरो है। लेकिन जब ये दो फोर्सेस इस बॉडी पे अप्लाई होगी तो इसमें टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। ये बॉडी है, एक फोर्स यहाँ अप्लाई हो रही है, एक फोर्स यहाँ अप्लाई हो रही है, दोनों फोर्सेस सेम है, रिजल्टेंट ज़ीरो है, लेकिन जब आप इस पे ये फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये बॉडी इस तरीके से घूमने लगेगी
और जब बॉडी घूमती है तो इसमें रोटेशनल एक्सेलरेशन होता है, और जिस बॉडी में एक्सेलरेशन हो वो इक्विलिब्रियम में नहीं होती। ये भी एक मिसाल है, देखें ये एक रॉड है, ये इसको इस वायर से सस्पेंड किया है, इसे यहाँ लटकाया गया है, ये टू फोर्सेस हैं, ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में सेम है और डायरेक्शन में अपोजिट है। जब ये दोनों फोर्सेस अप्लाई होंगी तो ये रॉड इस तरीके से घूमने लगेगा इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। तो यहाँ पे भी टू सेम फोर्सेस हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, लेकिन क्योंकि इसका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, एक यहाँ अप्लाई हो रहा है और एक यहाँ पे, इसलिए ये भी टर्न करेगा। यहाँ पे भी रोटेशनल एक्सेलरेशन है, यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि जब बॉडी में टर्न आए तो वहाँ एक्सेलरेशन होता है। तो ये बॉडी भी इक्विलिब्रियम में नहीं है। लाइन ऑफ एक्शन का क्या मतलब होता है, देखें ये एक बॉडी है, अगर ये फोर्स यहाँ अप्लाई हो रही है और ये फोर्स यहाँ अप्लाई हो रही है, तो इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो यहाँ पे तो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा, बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। लेकिन अगर लाइन ऑफ एक्शन एक यहाँ पे बॉडी का लाइन ऑफ एक्शन है, फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रही है, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है और एक यहाँ फोर्स अप्लाई हो रही है, अब इसका लाइन ऑफ एक्शन इसका ये है और इसका ये है, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है तो इसमें टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। स्टेटमेंट, वी हैव सिचुएशन इन विच एन ऑब्जेक्ट इज नॉट इन इक्विलिब्रियम इवन दो द फोर्स ऑन इट्स इज ज़ीरो। मेन आइडिया है, बॉडी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम व्हेन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस इज नॉट पासिंग थ्रू द सेम लाइन ऑफ एक्शन दो फोर्सेस आर इक्वल। अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि अगर ये एक बॉडी है और एक फोर्स यहाँ अप्लाई हो रही है और एक फोर्स यहाँ अप्लाई हो रही है, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन देखें ये है और इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, यानी फोर्स इस लाइन में लग रही है, तो यहाँ पे टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। टू अचीव ट्रू स्टैटिक इक्विलिब्रियम टू कंडीशन मस्ट बी मेट। फर्स्ट, टू अवॉइड ट्रांसलेशन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी ज़ीरो। सेकेंड, टू अवॉइड रोटेशन द नेट टॉर्क ऑन द ऑब्जेक्ट मस्ट बी ज़ीरो। एक ऑब्जेक्ट तब इक्विलिब्रियम में होता है जब दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो। फर्स्ट, एक बॉडी पे अगर टू फोर्सेस लगे और इन दो फोर्सेस की वजह से बॉडी जो है वो रेस्ट में है, यानी ऑल फोर्सेस, ये सिग्मा का मतलब ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज ज़ीरो। तो फर्स्ट कंडीशन अगर ये सेटिस्फाइड है तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। दूसरा, बॉडी में टर्निंग इफेक्ट भी ना हो। अगर ये बॉडी इस तरह घूमना शुरू कर दे, रोटेशन इसमें आ जाए, तब भी ये बॉडी जो है इक्विलिब्रियम में नहीं होगी, यानी द नेट टॉर्क ऑन द ऑब्जेक्ट मस्ट बी ज़ीरो। इसमें टर्निंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस ना हो, ना ये क्लॉकवाइज रोटेट करे ना एंटी क्लॉकवाइज, तब हम कहेंगे कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। येस, द ऑब्जेक्ट कैन हैव अ नेट फोर्स ऑफ ज़ीरो बट स्टिल हैव अ मूवमेंट एक्टिंग ऑन इट। हाँ, ये हो सकता है कि नेट फोर्स ज़ीरो हो और बॉडी में टार्क हो, अगर क्या हो, बट स्टिल हैव मूवमेंट एक्टिंग ऑन इट बिकॉज द फोर्सेज आर नॉट एक्टिंग ऑन सेम लाइन ऑफ एक्शन। अगर ये जो फोर्सेज हैं इसका लाइन ऑफ एक्शन सेम ना हो, इस तरह ना हो, दीज फोर्सेज विल प्रोड्यूस रोटेशनल एक्सेलरेशन अराउंड द सेंटर ऑफ मास इफ देयर इज नो सपोर्ट और अदरवाइज अबाउट इट्स पॉइंट ऑफ सपोर्ट। इस बात को समझें, दीज फोर्सेज विल प्रोड्यूस रोटेशनल एक्सेलरेशन अराउंड द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का क्या मतलब है, ये आपके पास एक रॉड है, इसका कोई एक्सेस ऑफ रोटेशन नहीं है, लेकिन हमें पता है कि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है
जहाँ पे मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। अब अगर आप एक फोर्स यहाँ लगाएं और एक फोर्स यहाँ पे लगाएं, अगरचे यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं है, लेकिन ये बॉडी इस तरह घूमने लगेगी इस सेंटर ऑफ मास के गिर्द और अदरवाइज अबाउट इट्स पॉइंट ऑफ सपोर्ट। और अगर यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ सपोर्ट है, ये रॉड है और यहाँ पे आपने इसको रस्सी से बांधा है, यहाँ पे आप एक फोर्स यहाँ अप्लाई करते हैं और एक फोर्स आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं, दोनों फोर्सेस इक्वल है मैग्नीट्यूड में, लेकिन इसका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, तो ये इस एक्सिस के गिर्द घूमने लगेगी। अब आप इसकी दो एग्जांपल समझें। एग्जांपल वन, टू फोर्सेस ईच ऑफ 100 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन अपोजिट साइड्स बट नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन ऑफ एक्शन ड्यू टू विच इट विल रोटेट अबाउट द सेंटर ऑफ मास, दस द रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो। देखें ये दो फोर्सेस हैं, एक F1 है और एक F2 है, दोनों का मैग्नीट्यूड 100 है, लेकिन क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, एक को हम 100 कहेंगे, दूसरे को -100। यहाँ पे ये इसका सेंटर ऑफ मास है, जहाँ पे तमाम मास इक्वली हर जगह देखें डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये तो ये बॉडी इस सेंटर ऑफ मास के गिर रोटेट करना शुरू कर देगी। तो फोर्सेस इक्वल हैं, लेकिन क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन पे नहीं है, एक यहाँ अप्लाई हो रहा है या एक यहाँ पे, ये बॉडी रोटेट करेगा और जब बॉडी में रोटेशन हो, यहाँ पे रोटेशनल एक्सेलरेशन है, इस वजह से बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। एग्जांपल टू, सेम अपोजिट फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ रॉड विच इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ फर्म सपोर्ट, सो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज सेटिस्फाइड। अब ये दूसरी एग्जांपल है, ये एक रॉड है और ये एक सपोर्ट है, इसके साथ यहाँ पे कनेक्टेड है, टू फोर्सेस इस पर अप्लाई हो रही है, एक ये है और एक ये है, ये दोनों फोर्सेस जब इस पर अप्लाई होंगी तो ये इस तरह रोटेट करने लगेगा। तो फर्स्ट कंडीशन तो ट्रू है, देखें ऑल नेट फोर्स इज ज़ीरो, ये फोर्स अगर 50 न्यूटन है, ये भी 50 है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये एक 50 होगा और दूसरा -50 और इसका रिजल्टेंट ज़ीरो है, यानी नेट फोर्स ज़ीरो है। बट द रॉड विल रोटेट अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ड्यू टू रोटेशन देयर इज टॉर्क इन अ बॉडी, सेकेंड कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड एंड द बॉडी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। तो ये दोनों इसकी एग्जाम्पल्स थी। क्वेश्चन 7 इज वाई डू टाइट रोप वॉकर कैरी द लॉन्ग नैरो रॉड। ये एक करतब दिखाने वाला शख्स है, ये टाइट रोप पे चल रहा है, इसने इस तरह एक स्टिक हाथ में ली होती है, ये क्यों इस तरह रखता है? तो इसकी रीज़न ये है कि देखें, इंसान का जो सेंटर ऑफ मास है वो इंसान की एब्डोमेन के करीब होता है, इसका मतलब है कि इस शख्स का जो सेंटर ऑफ मास है वो बिल्कुल इस रोप के ऊपर है। अगर ये शख्स थोड़ा सा टर्न करने लग जाए, थोड़ा सा इसका साइड या लेफ्ट हो जाए या राइट हो जाए, तो इसमें टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा और ये ज़मीन की ग्रेविटी की वजह से नीचे आ सकता है, क्योंकि इसमें टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, ज़मीन इस पर फोर्स अप्लाई करेगी, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो ये इस रॉड की मदद से इस टॉर्क को जो प्रोड्यूस हो रहा है इसको बैलेंस करेगा, यानी अगर ये शख्स इस साइड पर गिर रहा है, इस साइड पर नीचे की तरफ, इसका मतलब है कि इस साइड का टार्क ज़्यादा है और इस साइड का टार्क कम है, तो इस साइड पे क्योंकि टार्क ज़्यादा है तो उसको बैलेंस करने के लिए, तो यहाँ पे अगर वो इस साइड पे गिरता है, इस साइड पे, तो इस साइड पे क्योंकि वो थोड़ा सा झुक जाता है, ज़मीन इसको अपनी तरफ खींचेगी, वो नीचे गिरेगा, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये मूवमेंट आर्म है। तो इस मूवमेंट आर्म, यहाँ पे टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, ये नीचे की तरफ गिरेगा, ये क्या करेगा, ये इस रॉड को थोड़ा सा इस साइड पे ज़्यादा कर देगा,
जब इस साइड पे ज़्यादा होगा तो यहाँ पे मूवमेंट आर्म बढ़ जाएगा, जब मूवमेंट आर्म बढ़ेगा तो टर्निंग इफेक्ट बढ़ेगा और वो इसको बैलेंस करेगा। यानी अब यहाँ पे इतना ये स्टिक को आगे लेकर आएगा कि इस साइड का मूवमेंट आर्म जो ज़्यादा हो चुका था वो इसको बैलेंस करे, और ये शख्स जो है ये हमेशा इस रॉड को दाएं बाएं मूव करता रहता है ताकि जिस साइड पे टार्क ज़्यादा हो तो उसके दूसरे साइड पे वो उस टार्क को बैलेंस करें और वो ना गिरे। दूसरा सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ये है एक बॉडी का सेंटर ऑफ मास, एक इंसान का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे एब्डोमेन के करीब होता है। जितना एक बॉडी का सेंटर ऑफ मास नीचे होगा वो बॉडी ज़्यादा स्टेबल होगी। तो ये इस रॉड को थोड़ा सा नीचे भी लेकर आता है ताकि उसका सेंटर ऑफ मास नीचे रहे और ये शख्स बैलेंस रहे। तो इस तरीके से वो इस रॉड की मदद से अपने आप को बैलेंस रखता है। अब मैं आपके लिए इसको पढ़ता हूँ। इसमें जो मेन आइडिया है वो सेंटर ऑफ मास है और प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स हैं। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट का मतलब कि क्लॉक वाइज टार्क और एंटी क्लॉक वाइज टार्क ये आपस में इक्वल हों। टू स्टे बैलेंस वाइल वॉकिंग द टाइट रोप दिस एक्रोबेट, एक्रोबेट मीन ये जो करतब दिखाने वाला है, मस्ट कीप हर सेंटर ऑफ मास डायरेक्टली अबव द रोप, सेंटर ऑफ मास को रोप के ऊपर रखेगा। इफ द सेंटर ऑफ मास शिफ्ट टू वन साइड ग्रेविटी विल एग्जर्ट अ टार्क ऑन द एक्रोबेट टेंडिंग टू काज अ रोटेशन अबाउट द रोप एंड ही विल फॉल। अगर ये जो शख्स है ये इसका एक तरफ बैंड हो जाए तो ज़मीन इसको अपनी तरफ खींचेगी, ग्रेविटी विल एग्जर्ट अ टार्क ऑन द एक्रोबेट, तो इसमें टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। टेंडिंग टू काज अ रोटेशन, जो रोटेशन का बायस बनेगा, अबाउट द रोप एंड ही विल फॉल, और वो गिर सकता है क्योंकि ये इसका एक्सेस ऑफ रोटेशन है। जहाँ पर इसके पांव रोप पर है ये इसका एक्सेस ऑफ रोटेशन है, तो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। टू स्टे बैलेंस, वो अगर अपने आप को बैलेंस रखना चाहता है, द एक्रोबेट मस्ट क्रिएट अ काउंटर टार्क, काउंटर टार्क, काउंटर का मतलब मुखालिफ टार्क, वो इस साइड में टार्क प्रोड्यूस करेगा ताकि वो इस वाले टार्क को बैलेंस कर सकें। हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट साइन, इस टार्क की डायरेक्शन अपोजिट होगी और मैग्नीट्यूड में सेम होगा। दैट इज वाई टाइट रोप वॉकर कैरी अ लॉन्ग पोल, बिकॉज द टार्क ड्यू टू द फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड मूवमेंट आर्म। क्योंकि टार्क दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, फोर्स एंड मूवमेंट आर्म पे। द ग्रेविटेशनल फोर्सेज ऑन द एंड ऑफ द पोल एग्जर्ट सिग्निफिकेंट टार्क, ये ज़मीन की जो ग्रेविटी है वो इन पोल के ऊपर फोर्स एग्जर्ट कर रही है। यानी ये मूवमेंट आर्म है और ये फोर्स है, तो अगर ये टार्क और ये टार्क इक्वल होगा तो ये बैलेंस होगा। Thus the acrobat control the net torque acting on his center of gravity by manipulating the pole. इस manipulating का मतलब ये जो पोल को वो आगे दाएं बाएं घुमाएगा, ये जो पोल को वो दाएं बाएं घुमाएगा इसको manipulating करते हैं, यानी working with the pole। क्योंकि उसका center of gravity यहाँ पे या center of mass बीच में है और वो इसको बैलेंस रखना चाहेगा, वो इसको यहीं पे रखना चाहेगा। वो अगर एक डायरेक्शन में मूव करता है तो इस रॉड की मदद से वो दूसरे डायरेक्शन में इक्वल अमाउंट में टार्क प्रोड्यूस करेगा। आल्सो एक और वजह भी है ये रॉड अपने साथ ये शख्स जो रखता है एक्रोबेट, आल्सो द एक्रोबेट होल्ड द पोल लो मूविंग इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्लोजर टू द रोप। सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास जितना नीचे होगा तो ये शख्स बैलेंस रहेगा। तो ये इस रॉड को थोड़ा सा नीचे भी रखेगा ताकि ये शख्स स्टेबल रहे, ये गिरे ना।
Why does wearing high heel shoes sometimes cause lower back pain? High heel जो है वो कमर में दर्द क्यों पैदा करती है? To wear high heel shoes sometimes cause lower back pain. Main idea इसमें भी center of mass है. ये जो center of mass के question है, question 7 और 8, ये smart syllabus जो अभी short course है 2001 के लिए, उसके लिए नहीं है. तो वो स्टूडेंट्स जो अभी एग्ज़ाम देंगे, अगर वो इसको याद ना करें तब भी ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक उन्होंने नहीं पढ़े. समझने के लिए अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो देख लें. रीज़न इज़ फॉर ह्यूमन बीइंग्स योर सेंटर ऑफ मास इज़ समवेयर इन योर एब्डोमेन. मैंने आपसे कहा था ना कि इंसान का जो सेंटर ऑफ मास है वो तकरीबन उसके एब्डोमेन के यहाँ पे करीब होता है. When a person wear high heel shoes, its weight यानी center of mass is shifted more towards toe. देखें heel इस तरह होते हैं वो heel. तो जब कोई ये heel पहनता है तो उसका जो center of mass है, इसके साथ जो इंसान होगा, जो पर्सन होगा, उसका सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा टो के करीब आ जाएगा. ये यहाँ पे टो होता है, ठीक है, ये जगह उसके पाँव का टो उसके करीब आ जाएगा थोड़ा सा. टू मेंटेन बैलेंस द पर्सन मस्ट मूव द सेंटर ऑफ मास इन बैकवर्ड डायरेक्शन. और वो शख्स इस तरह अपना सेंटर ऑफ मास बैलेंस करने के लिए बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा अपनी बॉडी से. By doing so, force is used, which sometimes causes lower back pain. तो इस backward force से उसके back में pain आ सकता है. Why it is more difficult to lean backward? Explain. इस तरीके से झुकना आसान है जिस तरह हम लोग रुकू में जाते हैं, लेकिन इस तरह मुश्किल है. तो इसको आसानी से ये समझ लें कि यहाँ पे देखें, जब हम बैक इस तरफ आते हैं तो ये हमारा सेंटर ऑफ मास है, ये इस बेस के अंदर से गुजर रहा है, हमारे पाँव के अंदर से, इसलिए यहाँ पे हमें आसानी होती है. लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सेंटर ऑफ मास इस बेस से जो हमारे पाँव है इससे पीछे की तरफ है. तो ज़मीन तो हमें अपनी तरफ खींचती है, जब ज़मीन अपनी तरफ खींचेगी तो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, हम नीचे गिरना चाहेंगे, हमारी बॉडी नीचे की तरफ आएगी और हमारे बॉडी उसको कंट्रोल करने के लिए ऊपर फोर्स लगाती है, इसलिए हमें तकलीफ होती है. तो इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट, इसमें भी मेन आइडिया है सेंटर ऑफ मास. इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू लीन बैकवर्ड बिकॉज इन सच केस द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी इज डिस्टर्ब. देखें सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्टर्ब हो गई है, ड्यू टू विच इनस्टेबिलिटी इंक्रीजेस एंड एज अ रिजल्ट इट बिकम डिफिकल्ट फॉर द बॉडी टू रिमेन इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. तो वो अपने बॉडी को इक्विलिब्रियम में नहीं रख सकता, वो नीचे गिर सकता है या उसको इस तरह करने में मुश्किल पेश आती है. Question 10 is, can a single force applied to a body change both its translation and rotation motion? Explain. क्या single force एक body में translation and rotation produce कर सकती है? यहाँ पे भी जो main idea है वो center of mass है. ये एक rod है, ये उसका center of mass है. अगर सिंगल फोर्स इस सेंटर ऑफ मास पे अप्लाई हो, आप इसको ख़ुद भी कर सकते हैं, एक पेंसिल के बीच में फोर्स अप्लाई करें तो क्या होगा, ये पेंसिल इस डायरेक्शन में मूव करेगी, यानी ओनली ट्रांसलेशन प्रोड्यूस होगी, ये यहाँ पे आ जाएगी. अब यही राड यहाँ पे पड़ा हुआ है, अगर आप यहाँ पे फोर्स अप्लाई करते किसी एंड पे और ये इसका सेंटर ऑफ मास, तो ये बॉडी थोड़ा सा इस तरह रोटेट भी करेगी
यानी थोड़ा सा इस तरह रोटेट हो जाएगी और आगे की तरफ मूव भी करेगी, यानी इसमें रोटेशनल मोशन भी प्रोड्यूस होगी और ट्रांसलेशन भी। लेकिन अगर आप सेंटर ऑफ मास पे फोर्स अप्लाई करेंगे और फिर ओनली ट्रांसलेशन प्रोड्यूस होगी। अब इसको पढ़ते हैं। मेन आइडिया इसमें सेंटर ऑफ मास है। रीज़न, अ फोर्स अप्लाइड एट द सेंटर ऑफ मास विल काज ट्रांसलेशन मोशन। अ फोर्स अप्लाइड एट द स्पेसिफिक डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, देखें ये सेंटर ऑफ मास है, इससे कुछ फासले पे, विल काज ट्रांसलेशन एंड रोटेशन एंड रोटेशनल मोशन। तो इसमें ट्रांसलेशनल मोशन भी होगी और रोटेशनल भी, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया है। इफ़ देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस ऑन विच इट इज़ मूविंग, और ये तब होगा जब इस ऑब्जेक्ट और जिस सरफेस पे ये मूव कर रहा है उसमें फ्रैक्शन भी हो। एग्जाम्पल, इफ अ रॉड ऑन द प्लेन, ये एक रॉड है जो प्लेन पे पड़ा है, एंड अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन वन ऑफ इट्स एंड, देखें एक एंड पे फोर्स अप्लाई हो रही है। अ सिंगल फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी दैट डज नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास से नहीं गुजर रहा जिस तरह इस पहले एग्जाम्पल में था, इट विल ऑलवेज प्रोड्यूस रोटेशन एंड ट्रांसलेशन। तो इस बॉडी में थोड़ी सी रोटेशन भी होगी और ये बॉडी ट्रांसलेट भी करेगी। क्वेश्चन 11, टू फोर्सेस प्रोड्यूस द सेम टॉर्क, डज इट फॉलो दैट दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड। अगर टू फोर्सेस एक जैसा टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है तो इसका क्या मतलब है कि इसका मैग्नीट्यूड सेम है, ये ज़रूरी नहीं है। देखें ये एक बॉडी है, इस पे यहाँ फोर्स अप्लाई हो रही है, कितनी, 2 न्यूटन, और ये इसका मूवमेंट आर्म है, ये 5 मीटर है। तो टॉर्क कितना प्रोड्यूस होगा, इसको हम T1 से शो कर लेते हैं। 2 न्यूटन को 5 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5s are 10, इससे 10 न्यूटन मीटर आता है। अब दूसरी एग्जांपल लें, अब फोर्स हम 1 न्यूटन लगा रहे हैं, 1 न्यूटन, और ये मूवमेंट आर्म 10 मीटर है। अब टार्क कितना प्रोड्यूस होगा, इसको T2 कह लेते हैं, 1 न्यूटन मल्टीप्लाई 10 मीटर, तो 1 मल्टीप्लाई 10, 10 न्यूटन मीटर। तो देखें फोर्स चेंज हुई, लेकिन इस एग्जांपल में फोर्सेस डिफरेंट है लेकिन टार्क सेम प्रोड्यूस हो रहा है। मेन आइडिया टार्क है, रीज़न है बिकॉज टार्क इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स टाइम डिस्टेंस। टार्क होता है फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टू डिफरेंट फोर्सेस कैन एक्ट ऑन डिफरेंट डिस्टेंसेस कुड स्टिल गिव द सेम टार्क, ये जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है। यहाँ पे एक और एग्जांपल भी है कि देयर आर टू फोर्सेस, एक 25 न्यूटन एक्टिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, एक्ट्स एट अ डिस्टेंस 2 मीटर, तो 25 × 2 से कितना आएगा, 50, एंड अदर फोर्सेस 50 न्यूटन एक्ट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, तो 50 × 1 इससे भी 50 आता है। बोथ फोर्सेस हैव सेम टॉर्क यानी 50 न्यूटन मीटर, बट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस इज नॉट सेम, सो वी कैन से दैट वी प्रोड्यूस सेम टॉर्क विद डिफरेंट फोर्सेस, एंड दीज वर आवर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस।